सर्दियों में गाजर से हलवा तो सभी लोग बनाते हैं, लेकिन आज मैं गाजर से मालपुए बनाऊंगी। बहुत ही सॉफ्ट और हेल्दी मालपुए बनकर तैयार होंगे, वो भी बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। मुंह में घुल जाने वाले मालपुए बनाना शुरू करते हैं। मालपुआ बनाने के लिए मैंने ये लाल लाल 200 ग्राम गाजर लिए हैं। इन्हें मैंने साफ धुलकर इनका छिलका उतार लिया है। अब इनको कट करके जार में डालकर इसकी महीन प्यूरे बना लेंगे। ये मैंने गाजर को काट लिया है, अब इसे हम जार में डाल देंगे। और इसमें दूध डालकर प्यूरे बना लेंगे इसकी। इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच दूध डालकर गाजर का महीन प्यूरे बना लिया है। अब इसे हम एक प्याली में पलट लेंगे। 1 कप सूजी को महीन पीसकर पाउडर बना लेंगे इसका हम। ये मैंने सूजी का पाउडर बना लिया है, अब इसमें हम डाल देंगे। मालपुए में बाइंडिंग के लिए 1/2 कटोरी मैदा ऐड कर देंगे। इलायची पाउडर, हम इसमें 1 चम्मच शुगर पाउडर ऐड कर देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है, कोई गुलठी भी नहीं बनी है। अभी हम इसमें ना दूध मिलाएंगे ना पानी मिलाएंगे, इसको ढक कर रख देंगे 15 मिनट के लिए, जिससे सूजी अच्छे से फूल जाए। तब तक हम चाशनी बना लेंगे। चाशनी बनाने के लिए एक बर्तन में हम 1.5 कप चीनी डाल देंगे। और 2 कप पानी डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर चाशनी को बना लेंगे। अब इसमें हम कुटी हुई इलायची डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर चाशनी को पकने देंगे। जब तक अच्छे से चीनी मेल्ट हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। हमें 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस हल्की सी चिपचिपी हो जाए और चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, चाशनी में उबाल आ गया है। इसे मैंने 4 से 5 मिनट अच्छे से पका लिया है। ये देखिए हल्की हल्की चिपचिपी हो गई है। मालपुए के लिए इतनी ही चिपचिपी चाशनी चाहिए थी। चाशनी बनकर तैयार है। हम गैस को बंद कर देंगे और मालपुए बना लेते हैं। बैटर को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। सूजी अच्छे से फूल गई है, बैटर अभी गाढ़ा है। अब इसमें हम दूध मिक्स कर देंगे। ये मैंने 1 कप दूध लिया था, पीसने में इतना दूध मैंने डाल दिया था। 1/2 दूध और डाल दिया है मैंने। अब इसमें हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। मालपुए में कलर लाने के लिए 1 पिंच फूड कलर ऐड कर देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक ही डायरेक्शन में मिक्स करें। बैटर अभी भी गाढ़ा है। अब इसमें हम
थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। ये मैंने एक कप पूरा दूध डाल दिया है। ये देखिए बैटर तैयार है मालपुए बनाने के लिए। बैटर की परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, ये पोरिंग कंसिस्टेंसी है। अब मालपुए बना लेते हैं। ये मैंने एक पैन में घी को गर्म कर लिया है। अब इसमें हम बैटर डाल देंगे। और मालपुए को मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे सेकेंगे, पर इनको हम तब तक टच नहीं करेंगे जब तक ये नीचे से थोड़े से सेक नहीं जाते। इस तरह से ऊपर से घी डालते रहेंगे। नीचे से थोड़ी सी सतह पक गई है, अब हम इन्हें पलट देंगे। मालपुए को हम अच्छे से पकाएंगे क्योंकि इसमें सभी चीज़ें कच्ची हैं, सूजी, मैदा, गाजर। मालपुए को पकने में 4 से 5 मिनट लगते हैं। मालपुए दोनों तरफ से अच्छे से पक गए हैं। अब हम इन्हें निकाल कर चाशनी में डिप कर देंगे। जब तक हम दूसरा बैच फ्राई करेंगे तब तक हम इन्हें चाशनी में ही रहने देंगे जिससे अच्छे से चाशनी भर जाए मालपुए में। मालपुए को हम ऐसे ही चाशनी में पड़ा रहने देंगे इससे अच्छे से इसमें चाशनी भर जाए। ये देखिए सुपर सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाले गाजर के मालपुए बनकर तैयार हैं। इन्हें आप लोग ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। मालपुए को कटे हुए पिस्ता बादाम से गार्निश कर देंगे। आप लोग भी इस सुपर टेस्टी मालपुए को बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। सभी लोगों को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आएंगे। रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय एंड टेक केयर।